नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मेघशर्मा जी। धन्यवाद कविता जी और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो अब तक हमने आपको बताया था कि भाई मूलांक एक से लेकर मूलांक आठ से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके लिए मार्च का ये महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है, और आज हम आपको बताएंगे मूलांक नौ से जुड़े लोगों के लिए इस महीने क्या कुछ रखा हुआ है। जी हाँ, मार्च का ये महीना आपके दरवाजे पर कितनी खुशियां लेकर आने वाला है ये हम आज मैंग जी से जानेंगे, जिसमें हम बात करेंगे आपकी हेल्थ को लेकर, आपकी पर्सनल, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, और देखिए सबसे बड़ी बात आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर हम जानेंगे मैंग जी से। लेकिन आइए मंगल से प्रभावित मूलांक नौ से जुड़े लोगों का स्वभाव कैसा होता है ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कैसे जाने कि आपका मूलांक नौ बनता है या नहीं। मैंग जी बताइए। बिल्कुल, देखिए अगर आपका जन्म किसी भी माह की 9 तारीख को, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है तो जान लीजिए कि आपका मूलांक 9 है और मूलांक 9 के स्वामी मंगल होते हैं, और इसके अनुसार आप अपना भविष्य जान सकते हैं। सपोज जैसे आजकल बहुत से लोगों के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं होती है, उनके पास जन्म समय नहीं है, तो वो अपनी कुंडली नहीं बना सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी का हम ये कार्यक्रम इसी का आप ही के डिमांड पर लाए हैं, ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं सर हमारे पास जन्मपत्री है ही नहीं तो हम अपना भविष्य कैसे जाने, कई लोगों को अपनी राशि भी नहीं पता, नहीं पता होती, तो इसलिए हमने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये आपका मासिक भविष्य फल तैयार किया है। हर माह आपके लिए हम एक सीरीज लेके आते हैं मूलांक एक से लेके मूलांक नौ तक। तो इसलिए मूलांक नौ की अभी चर्चा हो रही है। मूलांक नौ वालों का स्वभाव कैसा होता है ये बताएंगे, उससे पहले ये बताना जरूरी है कि मूलांक नौ के स्वामी कौन है। मूलांक नौ के स्वामी मंगल ग्रह माने गए हैं, और मंगल जो कि एक एग्रेसिव प्लैनेट है, ऊर्जावान है, शौर्यवान है, यही कुछ खासियत मूलांक नौ वालों के अंदर होती है। और कविता जी इनसे बड़ा ऊर्जावान, बहादुर, शक्तिशाली मूलांक कोई और नहीं है जी। यानी कि हम कहते हैं कि अगर आपको स्पोर्ट्समैन बनना है, आपको खिलाड़ी बनना है, आपको गायक बनना है जिसमें एनर्जी चाहिए, जिसमें ताकत चाहिए शरीर की, या आपको एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस में जाना है, BSF में जाना है, तो आपका अगर मूलांक नौ है तो सफलता निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी मिलती है या इस क्षेत्र में आप नाम कमाते हैं। मूलांक नौ वाले ना तो कभी किसी से डरते हैं, ना कभी दबते हैं, ना ही किसी के अंडर प्रेशर ये लोग काम करते हैं। इसलिए मेरा अनुभव ये रहा है कि मूलांक नौ वाले व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय करते हैं, अगर ये नौकरी में जाते भी हैं तो बहुत जल्दी वहाँ से रिजाइन करके अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। मूलांक नौ वाले बहुत ही मधुर स्वभाव के, ईमानदार होते हैं और बहुत भावुक होते हैं और प्यार के भूखे होते हैं। यानी कि इनके जीवन में अगर इनको प्यार नहीं मिलता है तो ये बड़े परेशान, बड़े निराश रहते हैं। इनको कोई सपोर्ट चाहिए होता है पीछे से, जब इनको पूरा सपोर्ट मिलता है तो फिर ये जीवन में बड़ी तरक्की करते हैं। मूलांक नौ वालों की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनको जो भी लक्ष्य दिया जाए उसको ये एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि कहते हैं ना कुछ लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं, तो इनको लगता है कि अगर इनकी लाइफ नॉर्मल चल रही है तो इनको मजा नहीं आता, इनको चैलेंजेस लाइफ में चाहिए कि मेरी लाइफ में कोई चैलेंज अगर नहीं है तो मेरे इस जीवन का कोई बेस नहीं है, जीवन का कोई आधार नहीं है। तो बिना चैलेंज के इनको लाइफ में मजा नहीं आता और चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और अधिकतर मौकों पर इनको जीत भी हासिल होती है जी। तो जबरदस्त एबिलिटी होती है मूलांक नौ वालों के अंदर, लेकिन इनके अंदर क्रोध की अधिकता बहुत ज्यादा रहती है, एग्रेसिव है मंगल के कारण, बिना सोचे समझे कभी कभी बोल देते हैं, उस चीज से बचना चाहिए। गुस्सा कभी कभी बहुत ज्यादा कर देते हैं, तुनक मिजाज उनका नेचर होता है, मूड स्विंग बहुत होते हैं। यानी कि अभी तो उनका मूड बहुत अच्छा है, थोड़ी देर में इनका मूड अपसेट हो जाएगा तो फिर ये बात भी नहीं करते हैं लोगों को, और लोगों को ढंग से मतलब कि उनका हम कहते हैं कि रेस्पेक्ट भी नहीं करते हैं या फिर उनको ढंग से एंटरटेन नहीं करते हैं, तो लोगों को ये कुछ बात इनकी इस तरह से खल जाती है। तो इस आदत को उनको थोड़ा बदलना चाहिए तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आमतौर पर मूलांक नौ वाले जो हैं बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और सर्वगुण संपन्न और जीवन में उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। देखिए नौ नंबर अपने आप में पूर्ण नंबर है, इसको आप किसी से जोड़ दीजिए टोटल उसका नौ ही आएगा जी। चाहे नौ नौ ने 81 कर लिए, नौ दिया 27 कर लीजिए, नौ छिक 54 कर लीजिए, तो टोटल 5 और 4 मिला के 9,
अपने आप में कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट पैकेज है इनके अंदर, जो कहते हैं ना कि एबिलिटीज का, टैलेंट का कूट कूट कर इनके अंदर भरा होता है। बशर्त यह है कि इनके अंदर एक कमी है कि ये अपने क्रोध के कारण अपने सारे किराए पर पानी फेर देते हैं। बिल्कुल, मतलब क्रोध की जो अधिकता होती है इनके जिंदगी में, वही एक कहें कि एक हर्डल होता है, एक बाधा होती है जो इन्हें तरक्की के रास्ते पे आगे चलने से रोकती है। और देखिए मेरा तो यही मानना है जी, देखिए क्रोध जो होता है ना वो अपना ही विनाश करके जाता है, अपना ही, इंसान चाहे कितना भी क्रोध कर ले उसका अपना ही नुकसान होता है, बाद में उसे उस चीज़ का पछतावा होता है। तो बेहतर है कि आप अपने एंगर पर कहें या फिर क्रोध पर नियंत्रण रखें, कोशिश अगर आ भी जाता है तो कोशिश कीजिए जैसे तैसे आप परिस्थितियों को संभाल सकें। चलिए अब हम आगे महेंद्र जी से जानते हैं कि भाई मंगल से प्रभावित मूलांक 9 से जुड़े लोगों के लिए, देखिए मार्च का ये महीना कितना इम्पॉर्टेंट है उनके हर पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सेहत को लेकर, क्योंकि स्वास्थ्य है तभी सब कुछ है। देखिए स्वास्थ्य को लेकर इस महीने थोड़ा सा सजग रहिए, जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उनको विशेष इस समय सावधानी बरतनी चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, खान पान पर भी संयम रखना चाहिए। इस समय आपको हाई बीपी की भी शिकायत रह सकती है, उच्च रक्तचाप जो है वो बढ़ सकता है इस समय, तो थोड़ा सावधान रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खान पान पर थोड़ा संयम बरतेंगे तो फिर कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। चलिए आपकी सेहत के बाद अब हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए आखिरकार ये महीना कैसा रहेगा। देखिए छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा है, उनकी मेहनत इस समय रंग लाएगी, अगर आपका कोई इंटरव्यू था इस समय, कहीं आप एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आपके शिक्षा परीक्षा में मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, अगर इस समय कोई रिजल्ट आने वाला है आपका या कोई परीक्षा है तो वो आपका बहुत अच्छा जाएगा, पेपर बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा इस समय आपको शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाने का मौका भी मिलेगा। अब जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या साहित्य से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी सफलता बड़ी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही बेहतरीन समय है, बस आप मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना उसके तो फिर भाग्य कभी साथ देने वाला ही नहीं है। कविता जी बिल्कुल, महेंद्र जी के रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे इस महीने, क्योंकि देखिए मंगल की वजह से आपने बताया ना ये लोग थोड़े से क्रोधी स्वभाव के होते, क्या आपको लगता है कि इस महीने ये लोग अपने रिलेशनशिप्स में एक बैलेंस्ड बना के चल पाएंगे? देखिए बिल्कुल बनाकर चल पाएंगे, शुक्र की स्थिति इनकी बहुत बढ़िया है और मंगल की स्थिति भी बहुत ही सुखद दिखाई दे रही है, तो वैवाहिक जीवन में इनके खुशियां रहने वाली है। प्रेम संबंध की नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है, अगर आपके रिश्ते कुछ टूट गए थे, खराब हो गए थे, ब्रेकअप हो गया था तो वो रिलेशन फिर से स्टार्ट हो सकता है, तो ये माह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा प्रेम संबंधों के लिए। अब आपने क्या करना है कि अपनी तरफ से चीजें खराब नहीं करनी है, अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, जो भी पिछले दिनों गलती आपसे हुई है, आपके पार्टनर से हुई है, उसको भुलाकर माफी मांग लीजिए और रिश्तों में आगे बढ़िए, यही कहना चाहिए इस समय आपके लिए सफलता का मूल मंत्र है। बिल्कुल, देखिए जो हो गया सो हो गया, उसे भूल कर जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये अब तक हमने आपकी हेल्थ को लेकर, स्टूडेंट्स के लिए भी जाना और आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी जाना, अब बात कर लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। जी हाँ, काम काज कहते हैं ना कि इंसान अपने काम से ही अपना नाम कमाता है, शोहरत कमाता है, तो ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 9 से जुड़े जो लोग जॉब्स में हैं या फिर जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा। देखिए मूलांक 9 वालों के लिए जो व्यवसायी हैं, ये महीना उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, उनके लिए नए कार्य की शुरुआत होती भी दिख रही है जी। जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं, जो लोग लोहे से संबंधित व्यवसाय करते हैं, उनको विशेष ज़्यादा सफलता मिलेगी, और जो लोग इस समय पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स में हैं, खिलाड़ी हैं, ये महा उनके लिए निश्चित रूप से प्रमोशन और बड़ी सफलता भी लेके आ रहा है। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन इस समय ड्यू है, उनको बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी। और जिन लोगों का हम कहते हैं कि अभी तक काफ़ी समय तक कोई काम धंधा नहीं जम रहा था, या हम कह रहे हैं कि बेरोजगार थे, नौकरी नहीं लगी थी, उनके लिए नौकरी लगने की संभावनाएं भी मार्च के महीने में बिल्कुल बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये महीना आपके लिए हर लिहाज से मेरे को लग रहा है कविता जी, नौ वालों के लिए तो बहुत ही यादगार रहने वाला है, बड़ी सफलता भी मिलने वाली है। मैं जी कहते हैं ना कि मंगलमुखी सदा रहे सुखी, क्या लगता है आपको अगर इनके फाइनेंशियल लाइफ को लेकर पूछा जाए तो इस महीने कितना कुछ कमाने वाले, मतलब धन धान्य के मामले में ये महीना इन लोगों के लिए कैसा रहेगा? देखिए धन धान्य के मामले में ये इस महीने बहुत ही भाग्यशाली हैं, भाग्य पूर्ण इनका साथ दे रहा है, धन सुख में वृद्धि होने वाली है। इस समय आप नया वाहन, नई गाड़ी लेते हैं तो, या नया स्कूटर लेते हैं, या परचेसिंग घर के लिए कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत बढ़िया आपको इस समय खुशखबरी भी कोई ना कोई मिलेगी अपने कार्य क्षेत्र की तरफ से। धन के मामले में भी जिन लोगों के पैसे फंसे रहते हैं मार्केट में, बिजनेसमैन के,
बहुत से लोग फोन करे हमें पूछते हैं सर हमारा पैसा फंसा हुआ है, क्या इस महीने कोई सफलता मिलेगी? तो मूलांक 9 अगर आपका है तो अगर आपके मार्केट में कोई पेमेंट फंसी हुई है तो इस समय आपको मिल जाएगी। कोई डील अभी तक आपकी नहीं पूरी हो पा रही थी, कोई काम रुके हुए थे, वो सभी कार्य इस समय पूरे होंगे और कुल मिला के आर्थिक पक्ष आपका काफी मजबूत रहेगा। चलिए जाते जाते मैं जिसे जान लेते हैं कुछ छोटे मोटे उपाय। देखिए अगर आपको इस माह किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बहुत विशेष लाभ मिलेगा। और घर में सुंदरकांड का पाठ मार्च के महीने में ज़रूर अगर हो जाए तो वो घर के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा और काम कारोबार की स्थिति भी आपकी बहुत ही बेहतर रहेगी। तो इसके अलावा और कोई बड़ी समस्या आपको नहीं रहेगी। आपको क्या करना चाहिए, या तो हल्दी या सफ़ेद चंदन का तिलक अपनी छाती पर रोजाना लगाते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा और शुभ फलों में आपकी वृद्धि होगी। चलिए या जो हमने मैंग जिसे जाना कि भाई मूलांक 9 जो कि खासकर मंगल से प्रभावित होते हैं उनके लिए मार्च का ये महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा आज का प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सजेशंस हैं ज़रूर दीजिएगा। अगली बार हम अंक शास्त्र पर आधारित मूलांक भविष्यफल के साथ दोबारा मिलेंगे, दोबारा आपको बताएंगे कि भाई मूलांक 1 से लेकर 9 से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें कि अगर आपको भी कुछ पूछना है मयंक जी से, कुंडली दिखानी है, घर के वास्तु से संबंधित पूछना, और देखिए सबसे बड़ी बात है रत्न धारण करने को लेकर कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए मयंक जी से सीधा संपर्क कीजिए। बाई चांस फोन ना उठा पाए तो आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।